बिहार आने का सिलसिला थम नहीं रहा, लगातार जारी है। सिर्फ श्रमिक स्पेशल से ही नहीं, बल्कि अपने जुगाड़, मनमाने किराए और ना जाने कितनी तकलीफों को सहकर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग बिहार पहुंच रहे हैं। दर्द के साथ मजदूरों की घर वापसी, जिंदगी जीने की जंग लड़ रहे प्रवासी, देश के हर हिस्से से पहुंच रहे हैं श्रमिक, और इन श्रमिकों के पहुंचने की कहानी बड़ी ही दर्द भरी है। हरियाणा से लौटे इन तीन परिवारों पर क्या कुछ नहीं गुजरी। मनेसर में, हरियाणा के मनेसर में ये लोग सिलाई का काम करते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि घर का किराया देने लायक पैसा नहीं रहा और साथ ही साथ खाने पीने की मुश्किल स्थिति हो गई। इसके बाद देखिए किस तरीके से तमाम सारे जो लोग हैं मुश्किल हालात का सामना करते हुए, परिस्थिति से जूझते हुए यहाँ तक पटना तक पहुँचे हैं। अब पैसा नहीं मिलेगा सर तो फिर क्या करेंगे, घर में रहेंगे, घर में खेती बाड़ी है उससे काम चलाएंगे। वहाँ का कंपनी सर बंद हो गई, खाना पीना की व्यवस्था नहीं है सर। देश के हर हिस्से से प्रवासी बिहार पहुंच रहे हैं। ये लोग महाराष्ट्र के भिवंडी से बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। भेड़ बकरियों की तरह इन्हें ट्रकों में भरा गया है और इसके लिए मनमानी कीमत अदा की गई है। एक आदमी के लिए 3500 रुपये ट्रक का जो ड्राइवर है उसने लिए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि जो मजदूर हैं, क्योंकि जब कल कारखाने बंद हो गए, जब कपड़ों की फैक्ट्री बंद हो गई, तो उनके पास घर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और सीमांचल के जिलों में भी दूसरे प्रदेशों से श्रमिक आ रहे हैं। जो साधन मिलता है उसी पर जरूरत से ज्यादा लोग सवार होकर घर जा रहे हैं। बस एक ही मंजिल है, घर, किसी कीमत पर पहुंचना है। उधर भूखे रह रहे थे, खाना नहीं मिल पा रहा था, कुछ नहीं, मेरा काम कंपनी बंद हुआ था। बोला जिसको जहाँ होता है निकलो। गांव से कितना भाड़ा लिया है एक गाड़ी का, एक आदमी का? 2800। कितने आदमी है आप लोग गाड़ी में? 75 आदमी एक साथ। और ऐसी तस्वीर हर जगह से आ रही है। कोई पैदल घर की ओर निकला है तो कोई ट्रक टेम्पो पर सवार होकर घर जा रहा है। सैकड़ों किलोमीटर की मंजिल को तय जो करना है। ने कितना किराया दिया? 5,000 करके सभी लोग किराया दिए हैं। 5,000। ये श्रमिकों की बेबसी की तस्वीर है। लॉकडाउन के दौरान उनका सब कुछ छिन गया, परदेश में जमी जमाई जिंदगी बिखर गई। बस एक ही सहारा है, जिंदगी बचानी है तो घर पर रहना होगा, जैसे तैसे जिंदगी चल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।